फिर एक बार 4 जून। तारीख को ज्यादा से ज्यादा मतदान करने का संकल्प है। तो दोस्तों, आज कामटी कन्हान में जो है रामटेक लोकसभा के अंतर्गत जो आने वाला कन्हान क्षेत्र है, वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आने वाले हैं। आज देख सकते हैं किस तरह से माहौल है, पूरे रास्ते से जो है हम लोग शूट करते हुए आए, आपको बताएंगे सारा नज़ारा। आप लोग बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों, एक खतरनाक बहुत ज़्यादा ही जो है लगभग 3 से 4 मिनट जो है मुझे यहाँ पर चेकिंग करने के लिए लगा होगा। तो फिलहाल चेकिंग हो गई है और हम लोग जो है यहाँ पर एंट्री लेकर आ चुके हैं। ये देखिए पूरा सभा यहाँ पर, चलिए चलते हैं अंदर। क्या बताने चाहेंगे आज प्रधानमंत्री का नाम में यहाँ पर आने वाले, कब से बैठे आप लोग यहाँ? हम 1 घंटे के पहले से बैठे हैं। मोदी जी को चाहते हैं, मोदी जी ने जो राम मंदिर का निर्माण किया है भारत के लिए, चौथे नंबर पे लाया है, इसलिए हम मोदी जी के लिए वोट जाने वाले हैं और आने वाले ज्यादा से उनसे मोदी जी को वोट देना है। हमने भेज दिया है आज अपन इतने एकत्र जमलेलो आहोत। इथे आपल्याला त्यांच्याकडे बघून एक इन्स्पिरेशन मिळते की ताकद काय आहे त्यांची, त्यांचं ते डिसिप्लिन, त्यांचं ते राहणीमान आणि त्यांचं जो राजकीय कारदी, हे सगळं आम्ही त्यांना लहानपणापासून पाहतो आणि त्यांच्याकडून प्रेरणा घेत आहोत। ते देशासाठी आणि आजच्या युवा पिढीसाठी खास करून एक प्रेरणा स्रोत आहे। बैठे हैं, क्या बताना चाहेंगे, कैसा लग रहा है आज, कहाँ से आए आप? कनान से ही आपके यहाँ पर शहर में कांति का नाम जो प्रधानमंत्री आ रहे हैं, क्या बताने? बहुत अच्छी बात है। चलिए बढ़िया। देखिए बच्चों के साथ, बड़ों के साथ साथ बच्चों में भी यहाँ पर काफी उत्साह है। काफी लोग जो है यहाँ पर सुबह से यहाँ पर जिस तरह से मैंने बताया इंतजार कर रहे हैं। चलिए आगे और भी कार्यकर्ताओं से बात करते हैं। सभा जो है यहाँ पर शुरू हो चुकी है। हम लोग यहाँ पर अभी में यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमारी जो पास है और काफी भारी जनता का जो है, देखिए बहुत ज्यादा भीड़ यहाँ पर अभी मौजूद है। काफी उत्साह यहाँ पर जनता के अंदर नजर आ रहा है। तो देखिए काफी भीड़ है यहाँ पर, आपको दिखाएंगे अंदर का भी नजारा। जनता के अंदर प्रधानमंत्री जो है आज कन्हान में आने वाले हैं और माहौल क्या है, सुबह से ही लोग यहाँ पर अपना जगह छेक कर यहाँ पर बैठे हुए, क्योंकि हर किसी को प्रधानमंत्री का नजारा करना है। तो काफी समय से सुबह से ही लोग जो है यहाँ पर बैठे हुए, सभा का जो टाइमिंग था वो 6 बजे, मतलब प्रधानमंत्री की एंट्री यहाँ पर होने वाली है ऐसा ऑफिशियल बताया गया है। तो थोड़ा आगे पीछे जरूर हो सकता है, तो देखते हैं और थोड़ा थोड़ा जो भी कवरेज है अभी यहाँ पर हम आपको दिखाते रहेंगे। चलिए बने रहिए आप लोग। और ये देखिए इधर भी VIP एंट्री यहाँ पर की है, ये देखिए
काफी शानदार नजारा आज आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। ये देखिए काफी टाइट सिक्योरिटी ऑब्वियसली क्यों ना हो, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री यहाँ पर आने वाले हैं। ये देखिए भीड़, चलिए आप लोग बने रहिए, आपको दिखाते हैं और भी ना। चलिए और भी लोग हैं यहाँ पर, बात करें क्या बात है। हम कनान से हैं, कनान से हैं। हाँ, हम लोग हमारे कनान में मोदी जी है और हमें उनसे मिलने का चांस मिल गया है। हम खुद बहुत प्राउडफुल फील हो रहे हैं, मोदी जी यहाँ आए और हम भाषण सुनने को मिलेगा, तो हम बहुत जल्दी आके यहाँ पर बैठे हैं। मैं कनान की हूँ, हम 3 घंटे से बैठे हैं। 3 घंटे से लोग यहाँ पर बैठे हैं, काफी उत्साह है। मैं कामटी से आई हूँ, पार्टी के कार्यकर्ता हूँ, कार्ड नहीं बना इसलिए पीछे बैठी हूँ। हर मोदी, घर घर मोदी, हर मोदी, घर मोदी के नारे भी यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं और दिखाएंगे आपको और भी नजारा। पूरे बाल मेरे, ये हवा है, देखिए बड़े बड़े फैन लगे हुए हैं, पूरा जो है डिस्टर्ब हो चुके हैं, थोड़ा सा अरेंज होते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जो है यहाँ पर आ चुके हैं, साथ ही साथ उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस भी यहाँ पर आ चुके हैं। दोस्तों प्रधानमंत्री की सभा कनान में जो है अब पूरा कार्यक्रम जो है पूरी तरह से शुरू हो चुका है। कुछ ही समय में प्रधानमंत्री यहाँ पर कनान में उपस्थित होने वाले हैं। काफी जोश कार्यकर्ताओं में है, कुछ कार्यकर्ता जो है और भी हमारे साथ बात करेंगे हमसे। क्या नाम है? मैं अनीता जाधव, शिवसेना महिला जिला प्रमुख हूँ नागपुर से। और नागपुर क्या बताना चाहेंगे, आज प्रधानमंत्री जो है आप लोगों को संबोधन करने के लिए आने वाले हैं कुछ ही समय में, किस तरह का उत्साह, क्या बताना जी? लोकसभा निवडणूक के एवज यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे आने वाले हैं और सब लोगों का उत्साह काफी जोर शोर से है। सब उम्मीदवार शहर में नागपुर शहर में नितिन गडकरी और यहाँ पे रामटेक लोकसभा के राजू पाडवी जी हैं, शिवसेना के हमारे उम्मीदवार, तो उनको उनका उत्साह बढ़ाने के लिए और उनका जो भी मतलब अभी नितिन जी गडकरी साहब भी आए हुए हैं और पार्वे साहब भी यहाँ पे हैं। क्या लगता है इस बार किस तरह से भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा लगा रही है, आप कार्यकर्ता हो, क्या लगता है क्या वाकई 400 पार इस बार भारतीय जनता पार्टी हो पाई? हम उम्मीद तो यही रखेंगे कि 400 पार हो, पर अभी देखते हैं जब 4 जून को जब निकाल लगेगा उसी टाइम पता चलेगा कि क्या जनता क्या चाहती है। लेकिन हम तो सपोर्ट करेंगे, हमारे महायुति के दोनों उम्मीदवार है नितिन जी गडकरी और राजू पाडवी जी, हम तो यही आशा करेंगे कि वो चुनकर आए। अभी देखो 5 जून को जो निकाल लगेगा उसमें हमें पता चलेगा कि क्या होता है। और भी कार्यकर्ता हमारे साथ, मैं पूछना चाहूंगा आपसे, पिछले 2 बार के सिटिंग खासदार कृपाल तुमाने को इस बार जो है टिकट नहीं दिया गया, उसके बजाय कांग्रेस ने एक कैंडिडेट को लाकर उसे टिकट दिया गया, राजू पाडवी को, क्या बताना? अब मैं यही बताना चाहती हूँ, मैं राजश्री इंगले, मैं यही बताना चाहती हूँ, हमारे साहब को टिकट नहीं, तो हमारी पूरी शिवसेना हम लोग नाराज है इस बार, क्योंकि हमने जोर लगाया था सबने पर नहीं मिला। अभी वहाँ अंदर जाके क्या होगा ये हम लोगों को तो नहीं पता, और रहा सवाल आने वाला तो भैया आज क्या और कल क्या होगा, क्या पलटेगा ये हम नहीं बता सकते। अभी अभी जो है तुमाने जी को टिकट नहीं दिया गया, तो क्या दिल से आप लोग मतलब दूसरे कैंडिडेट के लिए काम कर पा रहे हैं? क्यों नहीं कर रहे क्या उसी लगन से, जिस तरह से खासदार तुमाने के साथ आप लोग अब तक जुड़े हुए थे, क्या अब जो नए कैंडिडेट को टिकट दिया गया है, क्या साथ में उनके दिल से मन से काम कर पा रहे हैं? हाँ सर, महायुति पक्ष का आदेश है ना भैया, तो हम लोगों को आदेश के अनुसार काम कर रहे हैं, मन के अनुसार हो पा रहे हैं। देखो दोनों तान मान धन और महायुति सब लगा दिया अभी हम लोगों। धीरे धीरे और भी लोगों से बात करते जाएंगे, काफी जो जितने भी लोग थे स्टेज पर, नितिन गडकरी, कृपाल तुमाने और देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार, सारे लोग जो है फिलहाल स्टेज पर उपस्थित है। कुछ ही समय में पंतप्रधान जो है प्रधानमंत्री यहाँ पर उपस्थित होंगे, क्या सारा कुछ कार्यकर्ता होता है, चलिए बात करेंगे उनसे थोड़े थोड़े समय में। आप लोग बने रहिए इनसे डिस्कशन।
गाइस यहाँ हम लोग खड़े हुए हैं अभी, प्रधानमंत्री जब तक गाड़ी बाहर नहीं जाएंगी पूरा ठीक है मी तब तक यहाँ से पब्लिक को नहीं निकलने दिया जाएगा। ये देखिए ये पूरा वीआईपी सेक्शन जो है, सारे वीआईपीस खड़े हुए हैं इंक्लूडिंग मी। वीडियो के प्रायोजक हैं सुरेश इलेक्ट्रॉनिक्स। अब अपने घर को बनाए स्मार्ट और सुविधाजनक, ले जाइए सभी ब्रांड्स के होम अप्लायंसेस वो भी 0% फाइनेंस पर। हमारा शोरूम आज ही विजिट करें, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सामने कामटी। नया फोन लेने के बारे में सोच रहे हो तो सीधे चले आइए ओमकार मोबाइल। यहाँ आपको मिलेंगे सभी ब्रांड्स के नए मोबाइल और वो भी 0% फाइनेंस के साथ, और साथ ही पाइए सरप्राइज गिफ्ट भी। तो आज ले आइए ओमकार मोबाइल, गुजरी बाजार चौक कामटी।